गुड आफ्टरनून एवरीवन, साइंस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट कर दिया था, 8 जिसको कि हमने कहा गति। चैप्टर आपका फिजिक्स का है, भौतिक विज्ञान जिसको अपन कहते हैं। और कल की क्लास में हमने बात करी थी एक समान और असमान गति की, कब गति एक समान होगी और कब गति असमान होगी। देखिए, एक समान गति कब होगी, जब निश्चित समयांतराल में निश्चित दूरी तय करती है कोई वस्तु, तो गति होगी आपकी एक समान। अगर निश्चित समयांतराल में असमान दूरियां तय की जाती हैं तो गति होगी असमान गति। तो या तो एक समान गति होगी तो ग्राफ आपका सीधी रेखा के रूप में बनेगा, और जब असमान गति होगी तो उस केस में ग्राफ आपका वक्राकार बनेगा। आज टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए टॉपिक आगे क्या है, बात करते हैं चाल की। देखिए चाल जिसको कि स्पीड कहा जाता है, चाल उसको स्पीड कहा जाता है, और चाल के लिए कहा जाता है इकाई समय में तय की गई दूरी। देखिए परिभाषा क्या बनेगी, इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। यानी कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है, कल भी हमने डिस्कस कर लिया था। देखिए टॉपिक फिजिक्स का है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फिजिक्स के टॉपिक भी इजी वे में समझ आए। तो देखिए 9th क्लास में कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लेते तो आगे बड़ी क्लासेस के अंदर आपको, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो, पूरी अपन साइंस की बात कर रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप फोकस करें स्टडी पे, थोड़ा सा हर एक सब्जेक्ट को आप ध्यान से पढ़ें, नहीं केवल साइंस को ही। तो चाल की बात करें, यानी हमने कहा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। देखिए इससे सूत्र क्या बन रहा है आपका, चाल का सूत्र बनेगा चाल बराबर दूरी बटा समय। आपका सूत्र हो गया चाल इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय। अब इसी से हम एक और चाल की बात कर सकते हैं, औसत चाल। देखिए औसत चाल कैसे निकाली जाएगी, औसत चाल के लिए सूत्र अपन इसी से मिलता जुलता काम में लेंगे, कुल दूरी अपॉन दूरी तय करने में लगा समय। कुल दूरी अपॉन दूरी तय करने में लगा समय, ये हो जाएगी औसत चाल। अब एक हम न्यूमेरिकल की हेल्प से दोनों सूत्रों को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार सूत्र आप देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से यहाँ पे करने जा रहे हैं कि चाल कब दूरी अपॉन समय से निकाली जाएगी, औसत चाल कब कुल दूरी और तय करने में कुल लगा समय से निकाल सकते हैं अपन। एक न्यूमेरिकल है, देखिएगा न्यूमेरिकल। देखिए क्या है न्यूमेरिकल, मान लीजिए हम एक ट्रेन को लेके बात कर रहे हैं, एक ट्रेन 120 मिनट में 120 मीटर की दूरी तय करती है। 120 मिनट में 120 हम एज्यूम कर रहे हैं, 120 मीटर की दूरी तय करती है। चाल क्या होगी, देखिएगा चाल क्या होगी, आप देखिएगा न्यूमेरिकल पढ़िएगा। हमने कहा ट्रेन 120 मिनट में 120 मीटर की दूरी तय कर रही है, काफी धीमी नहीं है ट्रेन, ये ट्रेन है या बैलगाड़ी है, चलिए कोई नहीं, हमने अज्यूम किया। देखिए हमें कॉन्सेप्ट समझना है सूत्र को लेके, तो हमने कहा 120 मिनट में 120 मीटर की दूरी तय करती है, चाल क्या होगी, सूत्र है हमारे पास। देखिए क्या होगा सॉल्यूशन, सूत्र है हमारे पास चाल का, चाल इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय। यहां पे अपन डायरेक्टली सूत्र लिखने वाले हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा दूरी तो यहां पे दी हुई है मीटर में, दूरी मीटर में है, लेकिन समय को दिया गया है मिनट में। और हम जानते हैं बहुत अच्छे से, जब हम SI यूनिट को फॉलो करते हैं, जब हम MKS सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो समय है उसको सेकंड में लिया जाता है। तो क्या करेंगे, 120 मिनट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो आपका समय है वो सेकंड में आ जाएगा। फिर से समझिएगा, समय यहाँ मिनट में दिया हुआ है जबकि दूरी यहाँ मीटर में दे रखी है। हमने MKS सिस्टम को फॉलो करना है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम को फॉलो करना है, तो समय को हम लेंगे यहाँ पे सेकंड में।
क्या किया? देखिए एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 120 मिनट में कितने होंगे मल्टीप्लाई बाय 60, ये कर लिया हमने। देखिए क्या होगा, 120 से 120 आपका कैंसिल हो गया, ये आपका बन गया 1/60। काफी धीमी है चाल, तो देखिए क्या रहेगा आंसर आपका, पॉइंट रहेगा जीरो, बहुत धीमी है चाल, एक और जीरो यहां लगेगा, ये आपका हो गया ऊपर 100 हो गया, 60 है, 0.1 बनाया आपका, 40 बचेगा, चाल काफी धीमी है, 40 है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर पर सेकंड इसकी चाल रहेगी, 0.01 सेकंड मीटर पर सेकंड यहां पे ट्रेन की चाल है, काफी धीमी चल रही है ट्रेन, क्योंकि वहां ट्रैक पे काम चल रहा था, रेलवे ट्रैक पे काम चल रहा था, गिट्टियां बिछाई जा रही थी, इसलिए ट्रेन रुक रुक के जा रही थी, इसलिए ट्रेन काफी धीमी चल रही थी, यात्री बड़े परेशान थे कि ट्रेन चल रही है या चला ही जा रही है, ट्रेन चल रही है या चला ही जा रही है, होता है अक्सर ऐसा देखते हैं कई बार कि जब यातायात का मार्ग है, ट्रेन का मार्ग ट्रैक है, तो ट्रैक जब दुरुस्त है तो ट्रेन तंदुरुस्त है, ट्रैक जब दुरुस्त है तो ट्रेन तंदुरुस्त है, और जो पैसेंजर्स हैं वो आप समझ सकते हैं क्या है, बिल्कुल मस्ती से काम चल रहा है उन सभी का। चलिए एक और लेते हैं न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, अब हम बात करने वाले हैं औसत चाल की, कैसे निकालेंगे औसत चाल, एक पॉइंट से मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, हम इसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में लेने वाले हैं, मान लीजिए ये दूरी है, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, तो अंतर आप समझ के कितना होगा, यानी इस दूरी को तय करने में समय लग रहा है, हम मान लेते हैं 60 सेकंड का समय लगा, यानी इसके पहले की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो यहीं से कर रहे हैं स्टार्ट, 10 से 20 मीटर जाने में समय लगा है 60 सेकंड, फिर 20 से 30 मीटर जाने में समय लगा है 60 सेकंड, यहां पर भी दूरी निश्चित है, 10 मीटर की दूरी यहां पे है और यहां पर भी 10 मीटर की ही दूरी है। अब देखिए इसमें अपन चाल कैसे निकालेंगे, दो दूरियां हैं, दो यहां समय दिए गए हैं, यहां कैसे निकालेंगे चाल, यहां चाल होगी औसत चाल, मैंने बहुत सिंपल करके बताया ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आई, अगर मान लीजिए यहां अलग अलग होती समय और दूरी अलग अलग होता तो उसको अपन उसके अकॉर्डिंग सम करते, देखिए कुछ नहीं है सम होगा, औसत चाल कैसे निकालेंगे, कुल दूरी अपॉन कुल समय, सीधी सी बात है कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है, भाई दूरी एक से ज्यादा है सम कर लेंगे, समय एक से ज्यादा टाइम दिया हुआ है उसका भी सम कर लेंगे, देखिए दूरी कितनी है 10 से 10 दो बार है 20 मीटर हो रही है टोटल दूरी आपकी, 10 मीटर यहाँ की दूरी तय हो रही है 60 सेकंड में, यहाँ पर भी 10 मीटर की दूरी तय हो रही है अगले 60 सेकंड में, इसका मतलब कुल दूरी 20 + 20 10 + 20 आपकी दूरी होगी 20, then 60 + 60 120 आपका हो गया टोटल टाइम, इट मीन 20/120 then आंसर विल बी 100 आपकी कैंसिल है 1/6 आंसर विल बी 1/6 आप और सिंप्लीफाई करेंगे देखिए क्या बनेगा, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं पॉइंट then 1/6 मीटर पर सेकंड, यानी यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा, यूनिट आप देखें सेम बनी रहेगी, यूनिट वही आपके मीटर पर सेकंड ही आपकी यहाँ यूनिट रहेगी, तो यहाँ पे हमने एक तरह से औसत चाल जिसको एवरेज स्पीड कहा जाता है कैलकुलेट कर लिया है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेटर ऑन विल डिस्कस टुमारो, थैंक यू सो मच।